नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मॉर्निंग न्यूज का, तो चलिए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा आज यानी 18 जुलाई को सुबह जुलाना कस्बे की पुरानी अनाज मंडी में पहुंचेंगे और कस्बे के पूरे बाजार में पदयात्रा करते हुए लोगों से रूबरू होंगे। आपको बता दें कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचकर आमजन के सुझाव लेंगे। रेडिसन ब्लू होटल के पास जलद्वार वाल्व बंद होने के कारण आज यानी 18 जुलाई को दिल्ली के कई हिस्सों में 12 घंटे तक पानी नहीं आएगा। आपको बता दें कि दिल्ली जल बोर्ड ने एक्स पर एक ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। हिसार में श्री तिरुपति बालाजी धाम में आज यानी 18 जुलाई को गुरु पूर्णिमा महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। आपको बता दें कि इस अवसर पर वृंदावन से नारायणाचार्य महाराज विशेष रूप से श्री तिरुपति धाम आएंगे। आज यानी 18 जुलाई को सुबह 9:51 से दोपहर 12:15 बजे के बीच फिर से ताले खुलेंगे और भीतरी रत्न भंडार में प्रवेश करेंगे। आपको बता दें कि इसमें मौजूद कीमती सामान को अस्थायी स्टोर रूम में स्थानांतरित किया जाएगा। एएसआई के सदस्य इसका आकलन करेंगे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड पूरक परीक्षाओं के लिए फीस जमा करने की प्रक्रिया जारी है। आपको बता दें कि एकत्रित परीक्षा शुल्क सहित परीक्षार्थी आज यानी 18 जुलाई तक शुल्क स्कूल में जमा कर सकेंगे। जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान की ओर से आज यानी 18 जुलाई को जिले के लैब विद्यालयों के संस्था प्रधानों और हेड टीचर की ट्रेनिंग होगी। आपको बता दें कि डाइट के वार्षिक पंचांग 2024-25 में योजना एवं प्रबंध प्रभाग की अनुमोदित कार्यक्रम गतिविधि के तहत ये प्रशिक्षण होगा। जिलाधिकारी भागलपुर के निर्देश के अनुसार आज यानी 18 जुलाई को समाहरणालय परिसर में शिक्षक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि कार्यक्रम के लिए भागलपुर जिले के विभिन्न प्रखंडों से कुल 70 शिक्षकों का चयन किया गया है। वृंदावन में आज विद्युत सप्लाई 12 घंटे रहेगी बंद। आपको बता दें कि वृंदावन के एसडीओ संदीप वार्षिक के अनुसार वृंदावन नगर की विद्युत सप्लाई आज सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक बंद रहेगी। एसडीओ श्री वाजश्रीव ने नागरिकों से सहयोग की अपील की है। भारत सरकार की एडिप योजना के तहत जनपद में पूर्व चयनित दिव्यांगजन लाभार्थियों को निःशुल्क सहायक उपकरणों के वितरण किए जाएंगे। इसको लेकर आज यानी 18 जुलाई को पुलिस लाइन में शिविर लगाया जाएगा। आपको बता दें कि डीएम निधि श्रीवास्तव इस शिविर को लेकर जिले भर से 791 लाभार्थियों का चयन किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार आज से बंगाल की खाड़ी में एक नया कम दबाव का क्षेत्र बनने के आसार हैं। आपको बता दें जिससे सीकर चूरू व झुंझुनू जिले में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। वक्त हो चुका है इतिहास का, तो चलिए जानते हैं आज का दिन क्यों है कुछ खास। साल 1927 में आज के दिन प्रसिद्ध गजल गायक मेहंदी हसन का जन्म हुआ था। साल 1947 में आज के दिन भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को शाही स्वीकृति मिली। साल 1973 में आज के दिन अफगानिस्तान में राजशाही की समाप्ति एवं गणराज्य की स्थापना हुई थी। साल 1994 में आज के दिन ब्राजील ने चौथी बार विश्व कप फुटबॉल चैंपियनशिप जीता। साल 2011 में आज के दिन भारतीय शास्त्रीय गायक जगदीश प्रसाद का निधन हुआ था। मॉर्निंग न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।